मेरा सवाल है कि मणि मेराज जी के साथ आप काम करते हैं, बैंड बराती 5 में आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, उसके बाद कोई वीडियोज नहीं आया है। नहीं तो वो बैंड पार्टी 4 और 5 के लिए हम लोग गए थे, अब 6 होगा तो क्या स्टोरी बनता है उसके हिसाब से। अभी ज़्यादातर लोग आपको रंगीता सिंह से नहीं, लबरी देवी के नाम से जानते हैं। हाँ, मणि मेराज जी के बैंड पार्टी 4 में जो नाम मिला लबरी देवी, तो उसी से लोग जानते हैं। बट मेरा ना बट हाँ, वो कहते हैं कि जा तू बाजारे बाजारे घूमा बेटिया, तो भागिए गई तुम जाके भाग जाइए, इस टाइप का। तो हम बोले थे कि ज़्यादा बोलवा तो मुँह झुका दें। मकसद क्या है आपका कि आगे यानी कि किस मोटिव से काम कर रहे हैं इस कॉमेडी दुनिया में, एल्बम की दुनिया में? अच्छा, कि भोजपुरी एल्बम में काम करती हैं? हाँ, भोजपुरी एल्बम में भी काम करते हैं, अच्छा अच्छा सॉन्ग, ना कि बर्गर जो हम लोग परिवार के साथ नहीं देख पाए वैसा काम, हम स्टोरी भी नहीं करते हैं। आजकल भोजपुरी में देखते होंगे कि काफ़ी अश्लीलता फैल गई है, और जिस प्रकार से कलाकार अपना हद पार कर दिए हैं, कोई कुछ भी गा दे रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, बैंड बराती 5 में आप भाग जाती हैं? हाँ। नहीं, 4 में आप भाग जाती हैं समधी को लेकर के, ऐसा क्यों करती हैं? वो स्टोरी है, वो कुछ सच स्टोरी है। आप उनका एक कॉमेडी जो आया है सिनेमा, पता क्या ना कि आजकल जितना लोग को अपने अपने काम से जो परेशान है लोग, तो लोग हंसने का एक जरिया, पहले कपिल शर्मा शो लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, बट मणि मेराज जी का जो स्टोरी आने लगा, इनके स्टोरी आने से लोग कपिल शर्मा शो कम देख के, और ये देख के लोग हंस लेते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना टेंशन खत्म कर देते हैं। अच्छा, आपको मणि मेराज जी कैसा लोग लगते हैं, कैसा एक्टर लगते हैं? नमस्कार, मैं हूं सूरज पटेल, आप HD न्यूज़ देख रहे हैं। इस वक्त हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं, और मुजफ्फरपुर में हमारे बगल में जो मैम आपको दिखाई दे रही हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, करोड़ों दिलों पे आज राज कर रही हैं, मणि मेराज वाइंस में काम करती हैं, और नाम इनका रंगीता सिन्हा है। लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने, रंगीता सिंह, जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिया है लवरी देवी के नाम से, शायद आप लोग इनको पहचानते होंगे। सबसे पहले स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल, थैंक यू सो मच। अभी क्या चल रहा है? अभी लगन का टाइम है, तो अपना पार्लर संभाल रहे हैं, प्लस कुछ सिंगिंग किए हुए हैं, उसका शूटिंग हुआ है कल भी। अच्छा। अब होली का तैयारी चल रहा है। मेरा सवाल है कि मणि मेराज जी के साथ आप काम करते हैं, बैंड बराती 5 में आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहता है, उसके बाद कोई वीडियोज नहीं आया? नहीं तो वो बैंड पार्टी 4 और 5 के लिए हम लोग गए हुए थे, अब 6 होगा तो क्या स्टोरी बनता है उसके हिसाब से, अभी पता नहीं है कि 6 में हम लोग हैं कि नहीं। अच्छा, 5 वाले में शायद, 4 वाले में आप फरार हो जाती हैं समधी को लेकर के, 3 वाले में आपकी जो बेटी होती है झबरी, झबरी कुमारी भाग जाती है, जो अब 5 होता है उसमें पूर्ण रूप से शादी हो जाती है आपकी लड़की का, ठीक है, तो उसमें मेराज जी किसी और लड़की को लेकर के भाग जाते हैं, जो आपके समधी होते हैं उनकी शायद लड़की का। जी जी, स्टोरी कुछ ऐसा ही ये लोग लाते हैं कि लोग हंसते हंसते खुद को भूल जाए। अच्छा, बैंड बराती 5 में जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिया है आप लोगों को, इससे आप दर्शकों को क्या कहिएगा? बहुत अच्छा लगता है, और मेरे ख्याल से ये जनता ही जनार्दन होते हैं, और जनता के सपोर्ट से ही कोई भी नेता है अभिनेता है। अगर ये लोग सपोर्ट करना छोड़ दें, ना कोई नेता ना कोई अभिनेता होगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, कौन सा चैनल है ये, HD न्यूज़ को ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत अच्छे हैं छोटे भैया लोग, हमको अच्छा लगा इन लोग से मिलके, और क्या बोलूँ। अच्छा, शुरू में जब वीडियोज बनाने से पहले, उससे पहले आपका कैरियर क्या रहता है? हम SBI लाइफ इंश्योरेंस में भी हैं, उसमें हमारा कोड है, और जो 0 माइल ब्रांच है हमारा ब्रांच, वो मतलब फील्ड वर्क होता है हम लोग का, वो भी अभी भी करते हैं। तो अब है कि फील्ड में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि अभी उतना बन चुकी है कस्टमर की कॉल, मतलब जिसको लाइफ इंश्योरेंस का कुछ भी लेना हो, मेडिकल क्लेम, इंश्योरेंस, सेविंग प्लान, तो वो करते हैं। अभी तक आप कितने एल्बम में काम कर चुके हैं? 15-20 एल्बम होगा, 20-25 स्टोरी होगा, हिंदी में भी काम किए हैं और भोजपुरी में भी किए हैं, बाकी काम तो आता है, बट हम बहुत जगह टाइम नहीं दे पाते हैं, अपना पार्लर भी है, उसको देखते हुए काम करते हैं। बड़े पर्दे पे कब रंगीता सिंह आने वाली हैं? बस आप लोग का प्यार और आशीर्वाद अच्छे से होगा ना, तो फिर आएंगे। ज़्यादातर लोग आपको रंगीता सिंह से नहीं, लवरी देवी के नाम से जानते हैं। हाँ, मणि मेराज जी के बैंड पार्टी 4 में जो नाम मिला लबरी देवी, तो उसी से लोग जानते हैं, बट मेरा नाम रंगीता सिंह है, ये इसी से मेरा चैनल भी है, रंगीता सिंह राजपूत से यूट्यूब चैनल है जो हम चलाते हैं। अच्छा, उस पे चैनल पे आप क्या काम करते हैं? बस छोटा मोटा टिप्स देते हैं, ब्यूटिशियन का कुछ हुआ, और फिर रील्स छोटा मोटा जो अच्छा लगा, कभी डांस कभी एक्टिंग। अच्छा, मकसद क्या है आपका कि आगे यानी कि किस मोटिव से काम कर रहे हैं इस कॉमेडी दुनिया में, एल्बम की दुनिया में?
बचपन से जो शौक था ना वो शौक पूरा कर रहे हैं। बचपन में क्या रहा है, बचपन में आप लोग कितने बहन कितने भाई रहते हैं? मतलब 5 बहन हैं 1 भाई है। बड़ी हैं सबसे आप? नहीं, हम 4th नंबर। हाँ, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग एक अच्छी हाउस वाइफ है। अच्छा, शुरू में जब आप वीडियोज बनाते होंगे तो कुछ लोगों के द्वारा अजीब रिएक्ट आता होगा? नहीं, अभी तक तो मेरे जितने भी देखने वाले श्रोतागण हैं ढेर सारा प्यार, और कोई ऐसा अभी तक तो नहीं आया हम, और हमको लगता भी नहीं है कि कोई मेरे खिलाफ कुछ बोले। अच्छा, कि भोजपुरी एल्बम में काम करते हैं? हाँ, भोजपुरी एल्बम में भी काम करते हैं। अच्छा अच्छा सॉन्ग, ना कि बर्गल जो हम लोग परिवार के साथ नहीं देख पाए वैसा काम हम स्टोरी भी नहीं करते हैं। आजकल भोजपुरी में देखते होंगे कि काफ़ी अश्लीलता फैल गई है, और जिस प्रकार से कलाकार अपना हद पार कर दिए हैं, कोई कुछ भी गा दे रहा है उस पर, शायद दर्शक की भी गलती है, दर्शक देखता है तभी इस प्रकार की गाना आती है। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार की गाना समाज पर असर जो कर रहा है, इस पर क्या कहिएगा? ऐसे तो ऐसा निकालना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। और हम एक बात बोले थे कि जनता ही जनार्दन है, वो लोग सपोर्ट करते हैं तो ही लोग एक से बढ़कर एक अश्लील गाना लाते रहते हैं। बट कोई नहीं, आप लोग उसको अश्लीलता से मत देखिए ना थोड़ा। हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड होता है, तो आप उसको पॉजिटिव बस इंजॉय कीजिए, उसको गलत मत देखिए तो शायद थोड़ा कम गलत लगेगा। अच्छा, बैंड बराती 4 में जिस प्रकार से आपकी बेटी जो रहती है झबरी कुमारी, वो शायद एक लड़का को लेकर के शायद फरार हो जाती है, लेकिन उस लड़का के बारे में दर्शाया नहीं गया है कि कौन सा लड़का है। उसमें जिस समय आप लोग शायद थाने में पहुंचते हैं, तो उस समय जो झगड़ू महतो जिसमें आपके पति का किरदार निभाते हैं, झगड़ू महतो जी शायद आपको कुछ बोलते हैं, तो उसका एक जवाब आप देते हैं, क्या बोलते हैं झगड़ू महतो और आप क्या जवाब देते? उतना तो अभी याद नहीं है, बट हाँ वो कहते हैं कि जा तू बाजारे घूमा बेटिया तो भागिए गई, तू जाके भाग जाइए, इस टाइप का। तो हम बोले थे कि ज़्यादा बोलवे तो मुँह झोंका दें। बहुत अच्छा लगा था शूटिंग टाइम, इसलिए कि हमको भोजपुरी आता नहीं था, हम सीखे हैं और 3-4 टेक में हम जो लाइन है वो बोल पाते हैं, तो वो लोग भी बहुत अच्छा से हमको मतलब हेल्प किए बोलने। मणि मेराज जी तो वो आप लोगों को स्क्रिप्ट जो देते हैं, तो आप लोग उस स्क्रिप्ट के अनुसार यानी कि बोलते हैं? हम गाना भी सीखे थे तो हमारे DK सर हैं, छपरा के हैं वो, बट दिल्ली में रहते हैं और राइटर हैं, तो उन्हीं से हम भोजपुरी सीखे हैं। अच्छा, एक बात बताइएगा, बैंड बराती 5 में आप भाग जाती हैं? हाँ। नहीं, 4 में आप भाग जाती हैं समधी को लेकर के, ऐसा क्यों करती हैं? वो स्टोरी है, वो कुछ सच थोड़ी है, मतलब स्टोरी है लोग को हंसने के लिए। अगर लोग ऐसा सीन क्रिएट नहीं करेगा तो लोग हंसेंगे कैसे, कोई देखेंगे ही नहीं, बस इसलिए। अच्छा, आपको मणि मेरा जी कैसा लोग लगते हैं, कैसा एक्टर लगते हैं? बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, बहुत अच्छे एक इंसान है, अच्छा लगा उन लोगों को टीम में काम करके। अच्छा, आप चाहते हैं कि मणि मेरा जी बड़े पर्दे पे आए और बड़ा रोल करे, यानी हीरो टाइप का? हमको तो ऐसा लगता है कि आने वाले सलमान खान मणि मेरा जी ही हैं मेरे हिसाब से। अभी आप उनका एक कॉमेडी जो आया है सिनेमा, जिस प्रकार से उसमें निरहुआ रिक्शा वाला एक फिल्म आया था, उसकी यादों को तरोताजा किया गया। हाँ, बहुत बढ़िया है, मतलब हंसते हंसते लोग पागल हो जाए ऐसा, मतलब कॉमेडियन है, हम भी देखे हैं, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह वो लोग लाएँ, और एक्चुअली होता क्या है ना कि आजकल जितना लोग को अपने अपने काम से जो परेशान है लोग, तो लोग हंसने का एक जरिया, पहले कपिल शर्मा शो लोग बहुत ज़्यादा देखते थे, बट मणि मेराज जी का जो स्टोरी आने लगा, इनका स्टोरी आने से लोग कपिल शर्मा शो कम देख के, और ये देख के लोग हंस लेते हैं, कुछ टाइम के लिए अपना टेंशन खत्म कर देते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा, मणि मेराज जी के वीडियोज में आप भी काम करती हैं, कुछ अश्लील भाषाएँ की प्रयोग की जाती है, इस पर क्या कहिएगा आप? हम क्या आप लोग की वीडियोज में थोड़ा सा अश्लील उसमें रहता है, इस पे क्या कहिएगा, यानी कि मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए? देखिए एक्चुअली अगर हम लोग सबको ये बात को गलत नहीं समझे तो गलत नहीं है, इसलिए कि हमारे किसी भी कोई भी हो, सबको एक गाँव से जुड़ा हुआ है, हर लोग है ना, सबका एक एक अपना गाँव है, घर है, तो वहाँ का जो लैंग्वेज जो इसी टाइप से होता है, तो अगर गलत नहीं माने तो गलत नहीं है, और गलत उठाते हैं लोग तो कोई बात नहीं, और अपनी अपनी मर्जी है सबकी, है ना, कि अच्छा बोले या खराब बोले उसमें। बैंड बराती जो 3 होता है, उस 3 में आपकी बेटी जब भाग जाती है, जब वह आती है, तो आने के बाद उस समय आप मणि मेराज जी को आप लोग कुछ बोलते हैं कि कौन भगैले रहे, ये पता बा कि? हाँ, हमारा पता बा
कैसे कौन दो गलावा है? फाइव में का तो हमको कुछ बोलना ही नहीं था शायद, नहीं उसमें फोर में आप बोलती हैं कि यहो पता बा कि कौन दो गलावा भगैले रहे। हाँ के भगैले बा, यहो पता बा कि के दोगला भगैले बा, इसी टाइप से कुछ था, याद नहीं आ रहा है। तो उसमें मनी मेहरा जी का जवाब शायद झबरी कुछ बोलती है, शायद जो आपके समधी होते हैं वो बोलते हैं कि झबरी तोरा शादी से कोई तकलीफ नहीं है ना, तो झबरी कहती है कि जब हमर बाप मतारी कोयला के खान में रखिए दिले बा तो हम शादी करेला मंजूर रहती। तो उसमें मनी मेहरा जी का जवाब आता है कि ठीक बा, करिया से शादी कर आ करिया करिया लड़का पैदा कर। हाँ, ये था। अच्छा, मनी मेहरा जी को भी कोई स्क्रिप्ट लिख करके देता है या मनी मेहरा जी खुद स्क्रिप्ट लिखते हैं? जी, हमको जहाँ तक पता है शशि जी और सैफ जी और मनी मेहरा जी तीनों मिल के डिस्कस कर लेते हैं और वो स्टोरी। अच्छा, उनका जो भी वीडियो जाता है वह गांव से जुड़ा हुआ रहता है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, और पहले के ज़माने में आज से 10-20 साल पहले क्या होता था सेम उस चीज़ को उतार दिया जाता है। हाँ, अभी वो 2005 वाला जो मोबाइल का आया वो भी देखे कुछ दिन पहले, काफ़ी अच्छा था, मतलब पहले का कुछ याद ताज़ा हुआ। जब छोटे थे हम लोग उस टाइप से होता था कि एक के घर में फ़ोन है, बेसिक भी तो फ़ोन आया तो लोग बोलने जाते थे कि अभी तुम्हारा फ़ोन आया, तो वो सीन बहुत अच्छा। ये लोग का पता नहीं माइंड आता कहाँ से, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, कॉमेडी की दुनिया में आज अभी जो भोजपुरी में मनी मेहरा बहुत बड़ा क्रिएटर है, आपको नहीं लगता है, आपको क्या लगता है कि मनी मेहरा एक गॉड गिफ्ट बन के आया है क्या? गॉड गिफ्ट होता ही है एक्टिंग, इसलिए कि वो कभी सीखे नहीं है, और वो जो भी दिखाते हैं नेचुरल दिखता है, ना कि बनावटी दिखता है, तो गॉड गिफ्ट ही है कि सीखे नहीं है वो। अच्छा मैम, आप इंस्टाग्राम भी चलाती हैं क्या? हाँ, इंस्टाग्राम पे क्या रील्स वगैरह बनाती हैं? हाँ, रील्स बनाती हैं। क्या इंस्टाग्राम का आईडी का क्या नाम है? रंगीता सिंह राजपूत। रंगीता सिंह राजपूत, और यूट्यूब चैनल का भी नाम? हाँ, रंगीता सिंह राजपूत। ये रंगीता सिंह राजपूत हैं, और जो कि लबरी देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं, कॉमेडी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं वो आज इनको जरूर पहचानते होंगे लबरी देवी के नाम से, और जिस प्रकार से इनकी प्रतिक्रिया रही है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में मैम अच्छे यानी बड़े पर्दे पर आएँ और हम लोगों को भी सारे दर्शकों को मनोरंजन कराएँ। हाँ जरूर, और आप लोग को हम सबको बताना चाहते हैं कि भगवानपुर में मेरा पार्लर है, लेडीज़ पार्लर, तो प्लीज़ आप लोग आइए और प्यारी प्यारी से दुल्हन बन के जाइए। मेरा शौक है कि जैसी भी हो लड़की खूबसूरत दिखाने का शौक है, इसलिए हम पार्लर का काम करते हैं। हाँ, तो पार्लर भी है मैम का भगवानपुर में, आप आ सकती हैं। पार्लर का क्या नाम है? अनन्या ब्यूटी पार्लर। अनन्या ब्यूटी पार्लर में आइए और अपने प्यारी सी जो बिटिया है उसको दुल्हन बना करके यहाँ से लेकर के जाइए। तो देखते रहे हमारे पेशकश को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।